हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। नई वीडियो के साथ मैं आया हूँ नई जगह पे, और आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं वो तवांग है। तवांग अरुणाचल प्रदेश के एक ज़िला है तवांग, और इसका हेडक्वार्टर भी जिला तवांग है। तो ईटानगर से आपको यहाँ कम से कम 400 किलोमीटर तकरीबन दूर पे है। गुवाहाटी भी उतना ही है, 400 किलोमीटर के आसपास पे है ये तवांग जो है, और ये एक पहाड़ों में बसा हुआ है ये तवांग। तवांग और तकरीबन 10-11 हज़ार के फीट के ऊंचाई पर है समंदर स्थल से, अबव द सी लेवल, और ये तवांग है। और मैं आज आपको तवांग का सैर कराऊंगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है तवांग। कुछ ही समय पहले बर्फ़ गिरा था, और नीचे शायद में अब बर्फ़ कुछ पिघल चुके हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा आज तवांग का सैर कराऊंगा। आप वीडियो पे बने रहे, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपका सहयोग मुझे चाहिए। आपका सब्सक्राइब का बिना मेरा वीडियो, मेरा ब्लॉग अधूरा रह जाएंगे, इसीलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपको खूबसूरत और बढ़िया वीडियो और भी दिखाते रहूँगा। चलिए आगे की ओर, मैं आपको दिखाऊँगा तवांग। इस वक्त मैं तवांग के नेहरू मार्केट पे हूँ। ये और एक मार्केट है, और ये इस मार्केट का नाम है नेहरू मार्केट, और यहाँ भी बहुत सारा सामान मिलते हैं। और यहाँ पे ये जो आप गेट देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मिलेंगे सुमो का टिकट वगैरह ना। अगर आप टूरिस्ट हो तो सुमो वगैरह, या कहीं आना जाना गुवाहाटी ईटानगर कहीं जाना है तो आपको यहाँ पे टिकट मिलेंगे सुमो का और बस का, कहीं पे भी ना आप यहाँ पे, या कोई भी टूरिस्ट सर्विस, इनोवा सर्विस, या कहीं पे भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये है आपका नेहरू मार्केट तवांग का। मार्केट पे हूँ, और यहाँ देखिए ये मार्केट है, ये मार्केट है, मेन मार्केट है ये, जो ओल्ड मार्केट कहता है इसको। अब अभी फिलहाल रास्ता का कुछ मरम्मत का काम चल रहा है, इसीलिए ऐसे दिख रहा है। और ये है मेन मार्केट, जो ओल्ड मार्केट है ना, यहाँ आपको सब कुछ मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो ख़रीदना है, जो लेना है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये है हमारा तवांग का ओल्ड मार्केट, जिसको मेन मार्केट भी कहते हैं। और यहाँ आसपास में ही आपको टैक्सी स्टैंड भी मिलेंगे, वहाँ से आपको टैक्सी मिलेंगे। कहीं अगर टूरिस्ट कहीं कोई घूमने जाना है तो ये जगह पे आपको टैक्सी भी मिल जाएंगे।
वक्त मैं तवांग के वार मेमोरियल पे हूँ, और ये जो जो हमारे देश के लिए जो बलिदान दिए थे, शहीद हुए थे, उनके नाम पे ये बनाया गया है। 1962 वार में जो चाइनीज एग्रेशन हुआ था, उसका जो वार में जो हमारा देश के लिए जो सेवा किए थे, जो बलिदान दिए थे, उसके लिए यहाँ पे उसका सम्मान में यहाँ बनाया गया है वार मेमोरियल। ये तवांग पे है। चलिए मैं आपको अंदर की ओर दिखा दें वार मेमोरियल। चलिए, तो आपको यहाँ से चलना पड़ेगा वार मेमोरियल। जिन्होंने भी शहीद किया उनका नाम लेके पूरा यहाँ पे जितने भी जो 1962 वार हुआ था चाइनीज के, उनका पूरा सम्मान किए थे यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे उन लोगों को पूरा सम्मान किया गया है ना। ये है ये वार मेमोरियल ना, आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे बनाया गया है उन लोगों के लिए वार मेमोरियल। और यहाँ पे इसी तरह ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये देखिए जितने भी नाम है, जैसे आप देख सकते हैं पूरा जो शहीद हुए थे उनका नाम ये सब यहाँ लिखा हुआ है। ये राजपुत्र, सेकंड राजपुत्र रेजिमेंट, ये बहुत सारा यहाँ उनका नाम को सम्मान किया गया है जितने भी थे ना। ये लोग देखिए, ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए पूरा यहाँ पे सम्मान किया गया है। ये देखिए वार मेमोरियल उनका नाम पे भी रखा गया है जो शहीद हुए थे ना। ये आप देख सकते हैं उनका वहाँ पे, ये पूरा वहाँ जो 1962 में जो वार हुए थे, एग्रेशन, चाइनीज एग्रेशन हुए थे, उसका जो वार हुए थे ना, इसी का जो ये है पूरा वार मेमोरियल, आप स्तूपा बनाया गया है इनका, ये सब नाम पूरा रखा गया है। ये है इसका वार मेमोरियल तवांग का। ये देखिए, ये हमारा देखिए, ये भी उनका नाम से आप अंदर देख सकते हैं। ये पूरा उन लोगों का जो ऐसे दिखाया गया है अंदर से, ये देखिए उन लोगों का पूरा वार मेमोरियल उन लोगों का नाम से दिया गया है। ये पूरा देखिए, आप देख सकते हैं पूरा इनको उन लोगों का सम्मान में जिन्होंने बलिदान दिए थे देश के लिए, उसके लिए। और आप देख सकते हैं ये है हमारा वार मेमोरियल तवांग के। तो आप अगर कभी दिन तवांग आएंगे तो यहाँ ज़रूर विजिट कीजिएगा। ये स्तूपा बीच में रखा गया है, स्तूपा, ये देखिए स्तूपा, आप देख सकते हैं स्तूपा ना, वार मेमोरियल। तो ये था तवांग का वार मेमोरियल। और कभी दिन आइए आप यहाँ पे, आप भी देखिए। तो मैं अभी आपको और आगे की ओर ले चलता हूँ तवांग, तवांग। इस वक्त मैं तवांग मोनेस्ट्री पे हूँ, और मोनेस्ट्री जो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट है मोनेस्ट्री, पीछे देख सकते हैं तवांग शहर। और ये जो आप देख रहे हैं ये हम मोनेस्ट्री में हैं, ये मोनेस्ट्री का थोड़ा बीच में है, अंडर में है। अभी मैं आपको आगे में दिखाऊंगा बाद में। ये देखिए, ये है मोनेस्ट्री का थोड़ा अंडर में, तो लार्जेस्ट है मोनेस्ट्री जो तवांग का ना, ये आप देख सकते हैं। तो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री। तो मैं अभी आपको मैं आगे की ओर दिखाऊंगा, और चलिए मेरे पीछे। ये आप देख सकते हो पहाड़, वो देखो बर्फीला पहाड़ है वहाँ पे, वो पूरा बर्फीला पहाड़ से सजा के रखा हुआ है, कुदरत का कमाल है वो। आप ये मोनेस्ट्री देखिए, मोनेस्ट्री यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मोनेस्ट्री का अंडर है, ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री। देखिए ये अंडर ना, इसी के अंदर आपको आना है मोनेस्ट्री। ये देखिए, ये अंडर मोनेस्ट्री पूरा यहाँ पे उन लोगों का जो मॉन्क्स लोग का रहते हैं, ये अपना कार्यक्रम करते हैं। यहाँ देखिए, तो आप देख सकते हैं ये मोनेस्ट्री ना, एशिया का लार्जेस्ट मोनेस्ट्री। देखिए आप अंदर में, एशिया का लार्जेस्ट मोनेस्ट्री। ये आपको मैं आगे की ओर दिखाऊंगा, और ये है हमारा मोनेस्ट्री ना।
तावांग का मोनेस्ट्री। अब देखिए बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाया गया है, ये है। तो मैं दिखाना चाहा यही था। तो अभी और थोड़ा आगे की ओर दिखाऊंगा मोनेस्ट्री को, वो नीचे साइड से मैं दिखाऊंगा। ये तवांग मोनेस्ट्री का लाइब्रेरी म्यूजियम है, अंदर में बहुत सारा पुराना चीज़ जो है रखा हुआ है। तो अगर आप तवांग मोनेस्ट्री विजिट करते हैं तो आप यहाँ अंदर आ सकते हैं। ये तो यही था मैं दिखाना चाहा कि तवांग मोनेस्ट्री जो एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है ना, ये आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारा टूरिस्ट लोग आते हैं। तो ये था तवांग मोनेस्ट्री, तो बहुत एक विशाल मोनेस्ट्री है, वेरी बिग मोनेस्ट्री। इसीलिए आपको कभी दिन आने से आपको यहाँ विजिट करना पड़ेगा। तो ये बहुत एक खूबसूरत और ये एक पुराना है, ये मोनेस्ट्री भी बहुत 400-500 साल का है और सेकेंड लार्जेस्ट है। तो ये था तवांग मोनेस्ट्री और आपको मैं अभी आगे की ओर दिखाऊंगा। इस वक्त मैं तवांग के तौरा किनार पे हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं बुद्धा स्टेचू ना, बौद्ध धर्म के, बुद्धिज़्म के। तो ज़्यादातर लोग यहाँ के लोग जो है बुद्धिज़्म को मानते हैं, दे आर द फॉलोवर ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म रिलीजन। तो इसीलिए आपको ज़्यादातर यहाँ पे बौद्ध ये सब आपको दिखाई देंगे, ये सब गौतम बुद्ध के ना। आप देखिए आप और आप देख सकते हैं वहाँ पर ना, वहाँ पे देखो गौतम बुद्ध का बड़ा स्टैचू है, ये तवांग में है। ये एक तवांग का एक शानदार जगह है जो स्टैचू जो, चलो मैं आपको दिखाता हूँ आगे की ओर। तो स्टैचू आपको यहाँ से आना पड़ेगा। तो वहाँ तो बहुत ही खूबसूरत और शानदार तरीका से बनाया है स्टैचू को। तो पूरा आप इधर चलते वक्त आप देख सकते हो, उस वक्त पूरा पहाड़ है ना, पहाड़ है, बर्फीला पहाड़ है, अब बादल से ढका हुआ है। और उस तरफ तवांग का जो नीचे साइड में मार्केट है आप देख सकते हैं। अब आपको हम उधर देख सकते हैं, मार्केट है पूरा नीचे में ना, बिल्डिंग वगैरह। तो यहाँ आपको आना पड़ेगा वहाँ देखने के लिए ना तवांग। तो तवांग जो एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, आप देखिए यहाँ गौतम बुद्ध का जो स्टेचू है, ये एक बहुत ही मशहूर है, बहुत ही शानदार तरीका से बनाया हुआ है स्टैचू ना। काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे, आपको भी आना है यहाँ पे। ये बौद्ध लोग आते हैं, ये गौतम बुद्ध के स्टैचू बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं ज़्यादातर लोग। आप देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी हियर, सच एन अमेजिंग प्लेस। देखिए बहुत ही बड़ा है ये ना, ये हमारे तवांग में जो ये स्टैचू ना, देखिए बहुत सारा टूरिस्ट लोग आते हैं। ये देखिए आपको यहाँ आना है, ये आप देख सकते हैं वहाँ ना, ये बहुत शानदार तरीका से बनाया गया है। तवांग में आने से आपको यहाँ ज़रूर आना पड़ेगा देखने के लिए, बहुत ही शानदार है। आप चलिए आइए देखते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाया गया है, इसलिए अब 15-16 साल हुआ है इनका बनाया वाला, इतना पुराना नहीं हुआ है। लेकिन ये इसको जो लोग आप देखिए यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ ऐसा करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ उनका आशीर्वाद मिलेंगे आपको ना, ये इसी तरह। ये देखिए थोड़ा ऊपर की ओर चलते हैं, चलिए आगे की ओर। ये देखिए यहाँ आपको प्रणाम करने का जगह बनाया गया है, यहाँ आप वहाँ पर मॉन्क लोग रहते हैं, मॉन्क लोग ना यहाँ से। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से तवांग का नज़ारा, वो देखिए बर्फीला पहाड़ और उस तरफ
वहाँ भी आप देख सकते हैं बर्फीला पहाड़, वहाँ चारों तरफ से बर्फीला पहाड़ फैला हुआ है ना। चलो आपको मैं और दिखाऊंगा आगे की ओर, बहुत ही शानदार जगह है। यहाँ भी ऐसे बनाए गए हैं, आपको आने से इनको यहाँ से गुड लक मिलते हैं। यहाँ ये देखिए, पूरा आपको ऐसे करते रहना पड़ेगा। ये देखिए, बहुत बहुत ये देखिए, इतना खूबसूरत ना। ये सभी टूरिस्ट लोग आते हैं, सब लोग उसको यहाँ उन लोगों को सम्मान करते हैं, देखते हैं। बहुत ही शानदार और खूबसूरत ढंग ना, बहुत ही बढ़िया। चारों तरफ ऐसे बनाया गया है, ये इन लोगों का जो गुड लक के लिए बनाया गया है। ये देखिए इस तरफ, ये पूरा पूरा ऐसे बनाया गया है चारों तरफ से। आपको इधर ये देखिए, ये देखिए, बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ। देखिए आपको मैं दिखाऊंगा इसी तरह। ये पीछे से आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं पीछे से गौतम बुद्ध का स्टेचू। देखिए पीछे से ऐसे बनाया गया है, पीछे से भी उनका शानदार ढंग से बनाया गया है ना। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल स्टेचू, और लॉर्ड गौतम बुद्ध का है, लॉर्ड गौतम बुद्ध। और आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा चारों तरफ से आपको इस तरह से आपको करना पड़ेगा, यहाँ से ना ऐसे करके आपको चलना होगा। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल, आप साइड से भी देख सकते हैं, साइड से भी आप देख सकते हैं इसी तरह ना उस तरफ। देखिए आप कितना खूबसूरत से बनाया है, खूबसूरत लॉर्ड गौतम बुद्ध। यहाँ देखिए यहाँ पे, तो मैं अभी आगे की ओर से थोड़ा दिखाऊंगा आपको गौतम बुद्ध को। ये देखिए, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टैचू हमारा पूरा स्टेट में, ये वो स्टैचू है ना यहाँ पे गौतम बुद्ध का। आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं, और तवांग का सफ़र भी यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। और मुझे उम्मीद है तवांग का नज़ारा आपको बहुत मज़ा लगा होगा। और वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह देखते रहिएगा, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अलविदा।